हेलो नमस्ते, मैं हूँ सुधा रानी। आप देख रहे हैं जस्ट भारत पॉलिटिकल क्विल स्टोरीज। आज का मुद्दा है जनरल इलेक्शंस 2024 और इसका रिजल्ट्स का कॉन्सिक्वेंसेस, क्योंकि जहाँ जहाँ लेफ्टिस्ट लिबरलिज्म ये सूडो सेकुलर एकजुट होकर इलेक्शंस लड़ते हैं, अगर वो नहीं जीत पाते हैं तो उस देश में अराजकता फैलती है। ये फर्स्ट डे से हमारा अपोजिशन पार्टीज कह रहे हैं, इधर ईवीएम में डाउट लगाया, अगर वो लोग नहीं जीत पाएंगे तो अराजकता फैलेगी, ये पहले दिन से वो कह रहे हैं। आखिरकार रिजल्ट देखे तो किसी को मैंडेटरी नहीं मिली, तो अब कोएलिशन गवर्नमेंट मोदी जी का 3.0 बन रही है, वो अलग बात है, उसको साइड में रखेंगे। तो ये कॉन्सिक्वेंसेस, ये धमकी देकर इलेक्शंस में दाना, ये खाली भारत देश में नहीं, जब हम रिसेंटली फ्रांस में जब इलेक्शंस लेफ्ट विंग हार गई तो वहाँ पर राइट विंग्स को दबा कर उनका कैंडिडेट पर प्रेशर डालने के लिए देश में अराजकता फ्रांस में फैल गई है। आप देख सकते हैं ये लेटेस्ट न्यूज, तो ये फ्रांस में भी ऐसे ही हो रहा है क्या? जब ये लेफ्ट विंग जीतती है तो डेमोक्रेसी सेफ हैंड में होती है, जब ये लेफ्ट विंग ये सेवरो सेकुलर्स हार जाते हैं तो डेमोक्रेसी और देश में अराजकता हो गई, कुछ भी हो गई तो कुछ को इनको फर्क नहीं पड़ता। और नेता बिफोर वोटिंग सीरीज में मैं 88 वीडियोस करी ताकि आप जनता उसके नेता को जान सके। उसमें मोस्टली क्रिमिनल केसेस कैंडिडेट्स इस बार कंटेस्ट करे, मगर क्रिमिनल के बेनिफिट ऑफ डाउट इन्हीं कैंडिडेट्स को देते हैं क्योंकि वो कन्विक्ट नहीं है। मगर अब सिचुएशन जनरल इलेक्शन 2024 एंड इसका कॉन्सिक्वेंसेस अगर आज का टॉपिक देखा जाए तो हमको ये पता चलता है क्रिमिनल्स ये जो हमने बताया वो नहीं, ये टेररिस्ट भी आजकल आकर बैठ जा रहे हैं पार्लियामेंट में। इसका कुछ सोल्यूशन निकालना ज़रूरी है। एक तरफ ओथ सेरेमनी हो रही है मोदी जी 3.0 का, दूसरी तरफ रईस में टेररिस्ट अटैक होती है और हम कुल्लम कुल्ला इंडिया पाकिस्तान मैच एंजॉय कर रहे हैं। तो इस सारे सिचुएशन देखे जाए तो पहले दिन 2024 इलेक्शन नॉमिनेशन से लेकर इलेक्शन रिजल्ट तक अपोजिशन ने एक ही धमके पर चोट पर ये इलेक्शन लड़ी कि अगर वो लोग हार गए तो ईवीएम पर शक करेंगे, नहीं तो देश में अराजकता फैलेंगे। एक दे लेफ्ट विंग जब जब जिस देश में हारी है वहाँ पे अराजकता फैली है। फॉर एग्जांपल फ्रांस का रिजल्ट राइट विंग के तरफ गए तो वहाँ पे अराजकता फैली है और प्रो पालस्तान का स्लोगन्स लगा रहे हैं क्या? इसी तो हम प्रो पालस्तीना के ऊपर मौन रहे, इसीलिए हम यहाँ पे कोई मैंडेट नहीं दिए क्यों? ये सेक्शन ऑफ पीपल प्रोग्रेस और डेवलपमेंट के बारे में नहीं सोचते, वो लोग अपीसमेंट के करने पर इलेक्शंस होने के बाद उनके लिए गवर्नमेंट्स कुछ करना है, अपीजमेंट नहीं देना है, नहीं तो वो लोग वोट नहीं देंगे। तो इस बार ऐसे नहीं चलेंगे, इनको सबक सिखाना जरूरी है और मोदी जी 3.0 ये सबक सिखाए के ही रहेंगे। दूसरी तरफ है टेररिस्ट पार्लियामेंट में आना, क्या इनको हम पार्लियामेंट पहुंचते ही पहले इनको हम रोक नहीं सकते? क्योंकि कंगना रनौत जी जो फॉर्मर प्रोटेस्ट में कुछ कमेंट करी, इसके लिए एक सीएसएफआई जवान ड्यूटी में रहते हुए उनको थप्पड़ मारना ये सोचने वाली बात है। तो इसमें कंगना रनौत ने बहुत खूबी से कह कि खालिस्तान मूवमेंट किस तरफ जा रही है, टेररिस्ट किस तरफ बढ़ रहे हैं, उन्होंने अगवा किया। तो मैं कहती हूँ सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस तरफ और राज्यसभा जो 24/7 चलती है वो लोग कुछ कर सकते हैं। ये इंजीनियरिंग रशीद ये खालिस्तान मूवमेंट का जो टेररिस्ट जनता से धमका के भड़का के कुछ करके ये लोग इलेक्ट होके आए, इन पर पहले वोट लेने से पहले इनको पार्लियामेंट आने से पहले रोक के क्यों नहीं जाए और इनका केस जल्दी से जल्दी हियरिंग करके इनका कन्विक्ट क्यों नहीं करना चाहिए, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया सोचने चाहती हूँ। आई अर्ज सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इस केस को जल्दी से जल्दी, इंजीनियरिंग रशीद ये खालिस्तान मूवमेंट का केस को जल्दी से सुनवाई करवे, इनको कन्विक्शन दे, कुछ इसका वर्डिक्ट दीजिए, क्योंकि ये लोग एक बार आ गए तो पार्लियामेंट कमेटी उस पर, क्योंकि जो पार्लियामेंट का सीक्रेसी को मेंटेन नहीं करके वो लोग वोट लेकर क्या करेंगे, इस पर जनता का मनी वेस्ट हो रही है। फिर एक बार महुआ मोहित्रा जो पार्लियामेंट का सीक्रेसी को लीक करी वो चुनके आई है, जनता दबाव में जनता आती है मगर सिस्टम दबाव में नहीं आना चाहिए, यही मैं पॉइंट जोर से बोल
बोलना चाहती हूँ, सिस्टम आप जागिए। राज्यसभा 24/7 चलती है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया 24/7 चलती है, तो इस पर नज़र डालकर आप लोग इसको कॉग्निजेंस लीजिए कि ऑन द डे ऑफ ओथ सेरेमनी भी टेररिस्ट अटैक हो रही है। एक चुनी हुई एमपी में एक ड्यूटी माइंडेड ऑफिसर ने हाथ उठाया, ये सब आप कॉग्निजेंस लेकर इस केस को अभी लड़के इन टेररिस्टों को पार्लियामेंट जैसे डेमोक्रेसी का टेंपल को रक्षा कीजिए। ये आपके हाथ में है। राइट विंग जर्नलिस्ट, मैं आपसे भी विनतपूर्वक कहना चाहती हूँ, इस पर दबाव डालिए ताकि सुप्रीम कोर्ट इस पर केस पर सुनाई हो और इन लोगों को आने से पहले रोका जाए। नमस्ते, जय हिंद, जय भारत।